नमस्कार। होली की शुभकामना के साथ साथ संताल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां पे हम संताल परगना क्षेत्र में चलाए जा रही योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। दर्शकों, कहते हैं हुनर सब में होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है, और उनका हुनर छपता है जिन्हें मौका मिलता है। और हमारी सरकार चाहती है कि हर पुरुष हर महिलाओं को ये मौका मिले, ताकि वो आर्थिक मजबूती पा सके, रोजगार पा सके। चलिए हम आपको एक योजना के बारे में बताते हैं, जिसके तहत जुड़कर लोग 250 क्षेत्रों में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब 250 क्षेत्रों में ट्रेनिंग मिल रही है तो रोजगार उनके हाथ में होगा ही। हम बात कर रहे हैं कौशल विकास योजना के बारे में। कौशल विकास योजना एक ऐसी योजना है जिसके साथ युवक युवतियाँ जुड़ सकते हैं और प्रशिक्षण पा सकते हैं। आपको हम बताएं कि ये योजना जो है ये बिल्कुल तरह से फ्री है, यानी कि इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं ली जाती है, और हर हाथ को काम चाहिए ये हम सभी जानते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज हमारी टीम आपको लिए चलती है दुमका और कौशल विकास योजना पे देखते हैं खास रिपोर्ट। संथाल परगना क्षेत्र का दुमका जिला और उसके ग्रामीण इलाकों में युवक युवतियों के कौशल विकास की ओर हमारी सरकार कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। सरकार की कोशिश है कि हर युवा के हाथों में हुनर हो। जब नौजवानों के हाथों में हुनर आएगा तो वह रोजगार के लिए भटकेगा नहीं, स्वरोजगार करेगा और अपने साथ साथ कई बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार देने में सक्षम होगा। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, संथाल डायरी कार्यक्रम के तहत आज हम हैं दुमका जिले में। यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत यहाँ विभिन्न संकायों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर कैसे रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, आइए यहीं के एक विद्यार्थी से जानते हैं और यहाँ किस तरीके से यहाँ क्या सुविधा मिल रहा है यहीं से जानते हैं। मेरा नाम मनीष कुमार मंडल है और मैं फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर में ये ट्रेनिंग ले रहा हूँ सर। और मेरा ये उद्देश्य है कि सर मैं यहाँ पर आके कुछ अच्छा पब्लिक के लिए कुछ अच्छा करूँ सर। मेरा नाम आनंदी देवी है, हम पुलिस लाइन के रहने वाले हैं। मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं जो कि मेरे हस्बैंड हमें छोड़ दिए हैं। मैं मायके में ही रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा बूढ़े हैं, तो इस मैं कुछ नहीं कर सक रही थी, इसलिए सोची कि मतलब मर जाना अच्छा है कि जीना अच्छा नहीं है। तो सोचते मुझे कुछ पता चला कि हाँ, यहाँ पर कुछ सिखाया जाता है, उससे अपना पैर पर खड़े हो सकते हैं। तो हम कुछ दिन पहले ही, 4-5 दिन हो रहा है उससे पहले, हम यहाँ पर हम एडमिशन लिए और सीखने आ रहे हैं। ये पता चलता है कि हम मतलब जीना अच्छा है कि मरना अच्छा नहीं है, हम अपने बच्चे को अच्छा से चला रख सकेंगे और पाल पोस सकेंगे, अपने मम्मी पापा को भी देख सकेंगे। हम अकेले एकलौती बेटी हैं, मेरा भाई मतलब 24 जनवरी 2014 में ही अपहरण हो गया है, तो हम अकेले अपने बेटे। आप यहाँ किस चीज़ का ट्रेनिंग कर रही हैं? सिलाई मशीन का। सिलाई करके आप अपने पैरों पर खड़ी हो सकते हैं? जी सर। कितने दिनों का यहाँ कोर्स है? 3 महीना का है, 90 दिन। कितना दिन हो गया? 4-5 दिन हो रहा है। 4-5 दिन जी। कितना परिवर्तन 4-5 दिन में आप अपने में पाती हैं? हम खुद बहुत सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा मतलब आगे जाके अपने बच्चे को भी देख सकेंगे, हम अपने भी खड़े हो सकेंगे, अपने मम्मी पापा को भी देख सकते हैं। आपको लगता है कि आप सिलाई का जो ट्रेनिंग चूज की हैं ये आपके लिए बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है सर, और इससे आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम दुमका में कौशल विकास कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार नौजवानों को कई प्रकार के रोजगार उन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रही है। सर, मैं सर्वप्रथम कस्टमर को उनसे बात करूंगा, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या डिमांड है, क्या कंप्लेंट है, इस पर मैं ध्यान दूंगा। और हमारे जो यहाँ के सर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। सर, पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं पहले यहाँ पे आया था तो मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि मैं उतना कुछ नहीं जानता था, लेकिन आज मेरे पास बहुत कॉन्फिडेंस है। मैं 7 तारीख को यहाँ पे आया हुआ हूँ, यानी 7 जनवरी से हमारे यहाँ क्लास स्टार्ट हुआ है सीसी का, तो हमारे अंदर बहुत बदलाव आया है। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो जो हमारे फ्रेंड हैं,
तो हम लोग उनसे डिस्कस करते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं, और सर से भी बहुत हेल्प मिलता है, और कम्युनिकेशन में भी बहुत बदलाव हुआ है। किस तरह रिलेशन करना है, किस तरह बात करना है, किसी से बड़ों से किस तरह बात करना है। क्या लगता है आप ये ट्रेनिंग पाकर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं? यस सर, मैं पार कर लूँगा, ये कर सकते हो? यस सर। और सर अच्छी कौन कौन सर? मेरे मम्मी है, मेरी बहन है, और मैं। पिताजी नहीं है? नहीं सर, पिताजी डेड कर चुके हैं। घर का सारा भार आप ही पर है? यस सर। इसलिए आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं? हाँ सर, कुछ करना चाहता हूँ अपने लिए। पहला दिन जब आप यहाँ आए थे और आज कितना दिन हो गया ट्रेनिंग का? सर आज सर ये ट्रेनिंग सर ये 6 दिन हो गया कुल। हाँ सर, 6 दिन हो गया। कितना अंतर पाया आप अपने में? सर बहुत अंतर पाया हूँ मैं अपने में। हाँ सर, सर बहुत कॉन्फिडेंस जाग गया है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर कुछ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से दुमका स्थित इस ट्रेनिंग सेंटर में महिलाओं के लिए ब्यूटीशियन प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। यहाँ जो हेयर स्टाइलिस्ट जो हम लोग का कोर्स है, ये हाई टेक्नोलॉजी है, ये एक साधारण कोर्स नहीं है। यहाँ पर हेयर स्पा, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर कलरिंग, जो आम जो कोर्स होता है उससे ये कहीं हाई है। जो गरीब बच्चे लोग हैं इसको वो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे, यहाँ आ करके वो हाई चीज सीख करके बड़े बड़े शहर में जा करके ये एक अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो ये जो कोर्स सिखाया जा रहा है इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, जब मैं सीखी थी तो मुझे बहुत पैसे लगे थे, और जब मैं यहाँ आई, जब ये कोर्स में मतलब यहाँ की जब ट्रेनर बनी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं गरीब बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं सिखा पा रही हूँ। क्योंकि ये सब सीखने में बहुत पैसा लगता है, और ये यहाँ से सीख करके वो अपने पैरों में खड़ा हो करके कुछ कर सकेगी। खास करके जो एकदम रूरल डेवलप अगल बगल जो एरिया जो है पूरा वो एकदम गरीबी से रेखा से गिरी हुई है, और यहाँ आ करके जो भी लड़की गांव की हो या शहर की हो, ये जो कोर्स है ये एक प्रधानमंत्री जी मतलब ऑल झारखंड में ये एक नया कोर्स निकाली है, और झारखंड में ये कोर्स कहीं भी नहीं होती है हेयर स्टाइलिस्ट की। ये मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि यहाँ दुमका एक छोटा सा जगह है लेकिन यहाँ पर ये कोर्स शुरू किया गया है कि यहाँ के लोगों को ये कोर्स सीख करके, खास करके लड़की लोग सीख करके उसमें कुछ आगे बढ़ करके कोई भी इंडिया का कोई भी जगह, इंडिया क्या वो फॉरेन में भी जा करके वो ये कोर्स करके अपना पैर में खड़े हो सकती है। यहाँ पर ये महिलाएं थ्रेडिंग, ब्लीच, फेशियल, मनीक्योर, हेयर स्टाइल, हेयर कटिंग और ब्राइडल इत्यादि के गुर सीख रही हैं। लड़की को सब कमजोर समझता है, वो लोग सोचता है कि लड़की कुछ कर नहीं सकती है, बट हमको ये गलत साबित करना है सबको कि लड़की बहुत कुछ कर सकती है, बट वो कुछ करती नहीं, वो उसका अंदर हर टैलेंट होता है, लेकिन वो अपना इसीलिए उसको अपना पैरों पे खड़ा होना चाहिए क्योंकि लड़की को सब कमज़ोर समझते हैं। इसलिए सर मेरा पढ़ाई इंटर कम्प्लीट कर लिए हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मतलब आगे का एडमिशन अभी नहीं लिया है। आगे यहाँ से सीसीए कुछ करेंगे, खुद का करके इसके बाद कुछ करना चाहते हैं। इस ट्रेनिंग के बाद कुछ महिलाएं खुद का ब्यूटी पार्लर स्थापित करना चाहती हैं, तो कुछ किसी बड़े पार्लर के साथ जुड़कर कार्य करना चाहती हैं। सुबह उठ के सब कर लेते हैं, उसके बाद जल्दी करके आ जाते हैं। यहाँ क्या सीख रही हैं? हम यहाँ स्टाइल में है। क्या करना? बाल कटिंग करना है, बाल जोड़ा बांधना है, मसाज का हेड मसाज करना है, यही सब करते हैं। हमको बाजार आए तो हमको पोस्टर देखा कि यहाँ लिखा था कि ट्रेनिंग चल रहा है, तो हम आके पता किए, हमारा मेरा हस्बैंड आए पता किए तो बोला यहाँ ट्रेनिंग चल रहा है, तो हम ट्रेनिंग में भरे हैं। तो जो मैडम सब आपको सिखला रही हैं, तो सीखने में कहीं कोई परेशानी है? नहीं नहीं, मैडम बहुत अच्छी है, नर्सिंग मैम है, बहुत अच्छी से समझाती है, बहुत बहुत अच्छी है मैम। मतलब बताने बहुत समझ जाते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल में समझ जाते हैं। इस प्रशिक्षण से इनका हौसला बढ़ा है, ये खुद को आत्मनिर्भर बनाकर अपने और अपने परिवार की मदद करना चाहती हैं। ऐसे ही कुछ महिलाएं कंप्यूटर प्रशिक्षण ले रही हैं। यहाँ मतलब प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में मेरा 1.5 महीना मतलब आए हुए हैं,
डेढ़ महीना हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो सीखे हैं ये कि पहले मतलब चूड़ा कैसे बनाया जाता है और मतलब मसाज कैसे किया जाता है, फेशियल कैसे किया जाता है, ब्लीच कैसे किया जाता है, मतलब ये कटिंग कैसे किया जाता है, ये सब। और मेरा ट्रेनर है मतलब नासिम मैम। क्या करना है आगे चल करके, जब यहाँ आगे हम जिसमें इस मतलब ट्रेन मतलब जो सीख रहे हैं हेयर स्टाइल में, इसमें कॉन्फिडेंस मतलब पूरा मतलब अच्छा से सीख पाएँ और मेरा अंदर भी है मतलब कॉन्फिडेंस कि हम कुछ कर पाएँ। पढ़ाना यही कि मेरा स्थिति तो ऐसे तो गुजर गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपना बाल बच्चा को मतलब कुछ कर सकें। यहाँ इन महिलाओं को 6 माह का सिलाई प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें इन्हें हर प्रकार के कपड़े जैसे सलवार समीज, फ्रॉक, शर्ट, पैंट, कटिंग एवं सिलाई की बेहतर प्रशिक्षण अच्छे प्रशिक्षकों द्वारा दी जा रही है। सर, शुरू में उनका जो है कि सबसे पहले ये मशीन के बारे में बताते हैं, मशीन के बारे में बताने के बाद में सिलाई करने के लिए शुरुआती स्टार्ट करवाते हैं कि बाबू ऐसे सिलाई करना है, ऐसे ये करना है। जब वो पूरी कॉन्फिडेंट के साथ में जब वो सिलाई धीरे धीरे करना जब सीखते हैं, तब उनकी जो है कि कटिंग सिखाते हैं। कटिंग सिखाने के बाद में फिर उसको स्टिचिंग बताते हैं। स्टिचिंग के बाद जो है कि उसको मैंने बहुत मैंने जल्दी उनको जो है कि हमने आगे निकाल देते हैं। यानी 45 दिन को जो कोर्स हमारा स्प्रा स्किल में चल रहा है, इसमें हमने सर 25 दिन के अंदर ही उनको पूरा ट्रेंड कर देते हैं। सर, सबसे पहले तो हम लोग जो है कि पेपर कटिंग करवाते हैं, क्योंकि पेपर कटिंग करवाने के बाद ही जो हाथ सेट होता है तभी हम लोग ये कपड़ा पर करवाते हैं। 6 महीने का कोर्स पूरा होने पर इनकी परीक्षा भी ली जाती है। प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के उपरांत ये महिलाएं रोजगार स्थापित कर सकें, इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर उन्हें सहयोग करती है। मोबिलाइजर के पद पर कार्यरत हूँ, मेरा काम ऑलरेडी फोकस होता है फील्ड वर्क में मेरा वो है, जिसमें से बच्चे को मोटिवेट करना, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को मोटिवेट करके और यहाँ पे आला के एडमिशन कराना और ट्रेनिंग कराना। ट्रेनिंग कराने के बाद उन लोगों का काम होता है जॉब पे जाना। तो मेरा बहुत ग्रामीण क्षेत्र में आप जाते होंगे, हम देख रहे हैं पीछे महिलाएं हैं काफी, ये महिलाएं आसानी से तो नहीं आ पाती होंगी। नहीं, मोटिवेट करना पड़ता है सर। इनके परिवार वाले भी ऑब्जेक्शन करते हैं? हाँ, इनके परिवार वाले ऑब्जेक्शन करते हैं, उनको भी मैं समझाता हूँ। इनके जो गार्जियन रहते हैं उनको मैं समझाता हूँ कि ये योजना जो है भारत सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है, इस योजना में बहुत सारे बेनिफिट है, जो स्किल आप इसमें नहीं है वो स्किल को वहाँ पे मिल सकता है और अच्छे से अच्छे जॉब में ज्वाइन कर सकते हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं? जी, लोग जागरूक हो रहे हैं। जगह जगह पे हम लोग कैंप भी लगाते हैं, जिसके थ्रू से मोटिवेट कर सकते हैं हम लोग लोगों को। गाँव में मुखिया के पास जाते हैं, मुखिया जी को बताते हैं, उनके थ्रू से संदेश जो है पूरे पंचायत में मिल जाता है। महिलाओं और बालिकाओं को सक्षम बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है, ताकि वे अपने और अपने परिवार के विकास में सहयोगी बन सकें। इस योजना के माध्यम से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवक युवतियां और शहरी क्षेत्र के युवक युवतियों के लिए एक बहुत अच्छा लाभार्थी ये एक प्रोग्राम है। तो मेरा हम लोग जो है अपना मोबिलाइजेशन का प्लान करते हैं, जैसा कि हम लोग रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर दुमका में 500 रजिस्ट्रेशन कर दिया है। 500 रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको इनरोल कर दिया और हमारे यहाँ से कैंडिडेट 250 कैंडिडेट असेस हो चुके हैं और हमने करीब जो है 50 लोगों का प्लेसमेंट जो है करा चुके हैं हम लोग यहाँ पर। तो दर्शकों, देखा आपने कि दुमका क्षेत्र के लोग कौशल विकास योजना से जुड़कर कैसे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप भी इस योजना का लाभ उठाएं और हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको योजनाओं की पूरी जानकारी दें, ताकि सरकार की जो योजना है वो आपके तहत पहुंचे और आप अपने जीवन में खुशियाँ ला सकें। दर्शकों, जब बात खुशी की हो रही है तो संगीत को हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। दर्शकों, जब संगीत की बात होती है तो हम अपने डायरी में लोक संगीत को एक खास महत्व देते हैं। दर्शकों, एक बात हम आपको बताएं कि संताल क्षेत्र के जो भाई बहन हैं वो कला में भी काफ़ी निपुण हैं। तो आइए हम सभी लुत्फ़ उठाएं संताली लोकगीत का। कलाकार हैं भोलानाथ राव एवं साथी। आया
दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये अंक आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और हम चाहते हैं कि जितनी भी योजना की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं उसका आप लाभ ज़रूर उठाएं ताकि आपके जीवन में खुशियों के रंग आएँ। चलते चलते हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर होली की शुभकामना। नमस्कार।